हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और कंप्लीट पीडीएफ का एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लेना, ओनली 399 रुपीज़, जिसमें कंप्लीट जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस यूट्यूब वीडियो जो भी अपलोडेड हैं एंड अपलोड होंगे, सारे टेस्टनेट से रिलेटेड है। तो आपको सारे यूट्यूब वीडियो देखने, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पीडीएफ लेने के लिए studysideeffect@gmail.com में मेल कर देना। तो आज मैं टेस्टनेट में इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में लाया हूँ एक मॉडल क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो सारे टाइप में लाया हूँ। तो और भी वीडियो आएंगे इंग्लिश के भी, तो ये सेकेंड पार्ट है। पार्ट वन देखे होंगे तो पार्ट टू देखना, तो पार्ट वन पहले देखना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। तो पहला क्वेश्चन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये तो पक्का आएगा ही आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ आते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स के मीनिंग, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, इडियम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादातर देखो तो बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स इन ए गिवन वर्ड। तो एडवांस की एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट क्या होगी, तो मूव तो होगी नहीं, मूव मतलब आगे ही, प्रोग्रेस शिफ्ट। तो रिट्रीट, जैसा कि आंसर भी यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर है रिट्रीट, ऑप्शन नंबर 4 एडवांस की। एरोगेंट जो कि एंटोनिम्स बताना है, एरोगेंट यानी अभिमानी होता है, तो अभिमानी का ऑपोजिट क्या होगा, हम्बल। तो करेक्ट आंसर इज हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। अब देखो सिनोनिम्स आ गया यानी कि सिमिलर, जो कि सिमिलर वर्ड जो भी रहेगा इस मीनिंग इसके मुताबिक, इससे सिमिलर कौन सी है उसको आंसर दे देंगे जवाब में। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब थोड़ा परंपरागत, तो उसका क्या होगा, ट्रेडिशनल, ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रेडिशनल आंसर। यहाँ पे भी करेक्ट आंसर दे दिया गया है। तो इसे इससे रटने से अच्छा है कि आप सारे की मीनिंग पढ़ो, ताकि आपको और भी इजिली आंसर दे पाओ, ठीक है। दस अब देखो एक और क्वेश्चन टाइप आता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इस वर्ड को मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ और ए रूल ऑफ कंडक्ट। तो ये शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ और रूल कंडक्ट किसको कहते हैं, कहावत को, एक शॉर्ट स्टेटमेंट रहती है जनरल ट्रूथ की, तो इंग्लिश में कहावत को क्या कहते हैं, मैक्सिम, ऑप्शन नंबर 2 और करेक्ट आंसर इज मैक्सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाओ इडियम्स, ये तो बहुत ही इजी रहता है, अगर आप अच्छे से इडियम्स को पढ़ो तो आंसर दे पाओगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स एट आर्म्स लेंथ, यानी कि हाथों की लेंथ। तो इसको क्या बोलेंगे, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक, ये तो होगा ही नहीं, चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक, यूजिंग वन आर्म टू मेजर द लेंथ, ये भी नहीं होगा, एज क्लोज एज वन कैन टच, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस को ही बोलते हैं। जैसे कि मुहावरे आप लोग को पता होगा, हिंदी में मुहावरे पढ़ते थे आप लोग, वही है, एट्स आर्म लेंथ, यानी कि अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, तो एसिड टेस्ट का क्या होगा, तो एसिड टेस्ट यानी कि डेफिनेट प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, ठीक, एसिड टेस्ट यानी कि डेफिनेट प्रूफ हो जाएगी या तो ट्रूथ की या फॉल्स की। तो प्रूफ ऑफ अटैक हैज बीन मेड, ये सब रॉन्ग है, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं बताना है, इसका मुहावरे बताना है। नेक्स्ट, हाँ ये स्पेलिंग टेस्ट भी क्वेश्चन आते हैं, 2019 के भी क्वेश्चन में आया था, लेकिन क्या किया गया था, ऐसा ही ऑप्शन था लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स थी, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स जो भरते हैं फिर वर्ड दिया रहता है,
उसी में ऐसा ऑप्शन दे दिया गया था और उसमें आपको फिल करना था कि कौन सा सही स्पेल्ड वर्ड को यहाँ पर डालोगे, तो ऐसा ही रहता है। तो स्पेलिंग भी आपको आना जरूरी, एक नंबर का आ सकता है, ठीक है, एक नंबर का आता है बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हुआ है, तो रिसिप्ट का क्या होता है स्पेलिंग, RECEIPT। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, RECEIPT ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर, रिसिप्ट इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों में से कौन सा सही स्पेल्ड किया गया है, तो ये एक ऑप्शन में बता रहा हूँ, लेकिन एक एक मार्क्स का स्पेलिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड किया गया, क्योंकि इसमें चार वर्ड अलग अलग दिए गए और इसमें सेम दिए गए, तो इसमें क्या होगा, एक्नोलेजमेंट, एकाउंटम, अचीवमेंट एंड एसिक्रेटेड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अचीवमेंट, ACHIVEMENT, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। एक्नोलेजमेंट में स्पेलिंग की गलत है, इसमें भी गलती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट। अब देखो और एक क्वेश्चन, ये 2019 की क्वेश्चन है, टीस नेट की आई हुई, तो ये क्वेश्चन फाइंड ऑड वन आउट। अब चार में से, ये रीजनिंग में भी आता है और ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखा गया था 2019 में, तो स्टैच्यू, एक्ट, ऑर्डिनेंस या लॉयर, तो इसमें से ऑड कौन सी है, तो ये तीनों सिमिलर है एक जैसे, लॉयर ऑड है, तो आंसर लॉयर आ गया आपका, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करने लगोगे तो जरूर आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, जीके की, तो आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा, सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, एरर कनेक्शन की, तो आप सॉल्व करते रहना, और टेस्ट योर सेल्फ की क्वेश्चन भी जल्दी नेक्स्ट या नवंबर दिसंबर मंथ में पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। अभी मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ मैथमेटिक्स, वो समझ लो, फिर बाद में उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।